अब खबरें विस्तार से। SFI का प्रदेश स्तरीय 20वां राज्य सम्मेलन का शुभारंभ हमीरपुर से हो गया है। 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन का शुभारंभ विशाल रैली के साथ हुआ और सैकड़ों की तादाद में SFI के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर शहर की परिक्रमा कर प्रदेश और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाकर अपना गुबार निकाला। बाद में गांधी चौक पर सम्मेलन के दौरान SFI राष्ट्रीय अध्यक्ष BP सानू, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कायथ भी मौजूद रहे। SFI का प्रदेश स्तरीय 20वां राज्य सम्मेलन का शुभारंभ हमीरपुर से हो गया है। 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन का शुभारंभ विशाल रैली के साथ हुआ और सैकड़ों की तादाद में SFI के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर शहर की परिक्रमा कर प्रदेश और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाकर अपना गुब्बार निकाला। बाद में गांधी चौक पर सम्मेलन के दौरान SFI राष्ट्रीय अध्यक्ष BP सानू, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कायथ भी मौजूद रहे। SFI राष्ट्रीय अध्यक्ष BP सानू ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के निजीकरण करने के लिए लगी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बुरी तरह से प्रभावित करने में लगी हुई है। सानू ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं होनी चाहिए और शिक्षा के भगवाकरण को बंद करना मुख्य मांगों में है। BP सानू ने SFI और कम्युनिस्ट पार्टी को केंद्र सरकार देश को विभाजन करने वाली ताकतें करार देने के मुद्दे पर कहा कि SFI संगठन को किसी संगठन से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, जो कि सावरकर को अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने कहा कि SFI देश के कई राज्यों में मॉब लॉन्चिंग के खिलाफ आंदोलन कर चुकी है। वो लोग इतना बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं बजट में, लास्ट बजट में सिर्फ 2 लाइन शिक्षा के बजट में ऊपर बोला। ऐसा भी बजट दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। आप देखिए, आप IIT से लेकर आप एकदम नीचे आंगनवाड़ी तक जाइए, शिक्षा के ऊपर बजट कम होते जा रहा है। आंगनवाड़ी में तो हम देख रहे हैं अभी वो तो पूरा के पूरा प्राइवेटाइज हो गया है आंगनवाड़ी। तो अभी जो लोग काम कर रहे हैं आंगनवाड़ी में, उस लोगों का हालत क्या है? जो लोग रिसर्च करेगा ऊपर में, उन लोगों के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब है जिसके पास पैसा है उसको ही शिक्षा मिलेगा ये अच्छे दिन के ज़माने में? तो हम लोग तो ना ही चाहते हैं। वो एक हम लोग मैंने ये बात बोलते हैं, मोदी जी का बाकी सब वादे की तरह ये भी एक जुमलाबाजी है। सेपरेटिस्ट के खिलाफ हम लोग असम में लड़े हैं, हम लोग त्रिपुरा में लड़े हैं, हम लोग लड़े हैं पंजाब में, बंगाल में हम लोग लड़े हैं। इसे भाई शहादत भी दिया है। निरंजन तालुकदार जैसा आपका पंजाब में बहुत से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हम लोग बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं। हम लोग देश, जो लोग देश के खिलाफ ये गद्दारी करते हैं उन लोगों के खिलाफ हम लोग जंग ऐलान किए हैं। और आप हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिसको, जिन लोगों ने सावरकर जी को अपने गुरु मानते हैं, जो गोलवालकर को गुरु मानते हैं, जो देश को भाग करने का जो साजिश रचा था जिन लोगों ने, उनसे हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। SFI को हम लोग भगत सिंह के आदर्श में विश्वास करते हैं। हम लोग का ये, हम लोग का जो लेगेसी है वो लेगेसी है चट्टग्राम अष्टागाल लुंठन का इतिहास का लेगेसी है। और हर जगह ये जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं ये अलगाववादी के खिलाफ, ये इतिहास हर जगह है। वो हम लोगों को सर्टिफिकेट किसी की जरूरत नहीं है इसके। SFI राष्ट्रीय सह सचिव दिलीप दैंता ने कहा कि SFI देश में शिक्षा नीति को बचाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज नफरत की राजनीति का माहौल बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ भी SFI संगठन अधिवेशन कर समस्या को हल करने के लिए लगी हुई है। जो प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है शिक्षा को जो बेचने की बात की जा रही है, शिक्षा को सेंट्रलाइज करने की बात की जा रही है, MHRD UGC को खत्म कर जो है आप देखेंगे PMO के कंट्रोल में सारी चीज़ों को लाने की बात की जा रही है। एक बहुत खतरनाक स्थिति है। हमारी जो शिक्षा का ढांचा है वो संघीय ढांचा है, फेडरल करेक्टर है, उसको खत्म करने की बात की जा रही है। उसके अलावा जो नफरत की राजनीति का माहौल पूरे देश के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, उस नफरत राजनीति के तहत आप देखेंगे मॉब लिंचिंग के नाम पर बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि SFI इस बार अपने 50 साल पूरे कर रही है। इन 50 सालों के संघर्षों के दौरान SFI ने तरह तरह की कुर्बानियां शिक्षा को और इस देश को बचाने के लिए दी है। आने वाले समय के अंदर भी SFI इस प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ, ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन जिसके तहत जो है डॉक्टरों की जो सीटें उसको बेचने की बात की जा रही है, उसके खिलाफ SFI आने वाले समय के अंदर एक उग्र आंदोलन पूरे देश के स्तर पर जो लड़ेगी। प्रदेश SFI प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कायथ ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले अधिवेशन में प्रदेश के अंदर शिक्षा नीति को प्रभावित किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए 3 दिनों तक विचार कर रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार शिक्षा के फेडरल सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। साथ ही प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर मीट के माध्यम से भी शिक्षा का व्यापारीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका SFI विरोध करती है। देखिए सर, आज जो ये रैली निकली है
हाँ, बेसिकली आज से हमारी कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है, 20वीं जो राज्य सम्मेलन है हमारा हमीरपुर के अंदर होने जा रहा है। और इसके साथ साथ जो आज छात्रों के जो मुद्दे हैं, खासकर अगर आप लोग देख रहे हैं जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाम की एक नई शिक्षा नीति केंद्र की सरकार ने लागू की, उसका प्रस्ताव लाया है। उस प्रस्ताव के माध्यम से जो शिक्षा का जो एक फेडरल कैरेक्टर है उसको खत्म करके उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ साथ शिक्षा को महंगा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात इसमें कि हमारी प्रदेश की जो जयराम सरकार है, सरकार ने यह कहा है कि आने वाले नवंबर के महीने में इन्वेस्टर्स मीट हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। इन्वेस्टर्स मीट में जो प्रदेश सरकार है उसने शिक्षा को एक वस्तु की तरह रखा है और लोगों को कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आके इन्वेस्ट करें। तीसरी चीज यह है कि केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव पिछले 6 सालों से बैन किए गए हैं। हमारा ये मांग है कि छात्र जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका है समाज का, विश्वविद्यालय में पढ़ता है, कॉलेजों में पढ़ता है, उनका ये अधिकार है कि उन्हें चुनने और चुने जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकार ने इसलिए कि छात्र अपनी मांगों को लेकर लामबंद ना हो पाए इसलिए उसमें प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा फीसें लगातार बढ़ाई जा रही है, रूसा के कारण हजारों छात्रों का करियर जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है ये रैली आज हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं। हमने जो 2 सालों के अंदर संघर्ष किए हैं उनके ऊपर चर्चा होगी, और आने वाले 2 सालों में हमारा संघर्ष किस तरह आगे बढ़ेगा, किन मुद्दों को लेकर हम छात्रों के बीच जाएंगे, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे 3 दिन, और उसके बाद आने वाले समय के लिए जो केंद्र और प्रदेश की सरकार है उनकी शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय SFI उपाध्यक्ष मोनिका बडिला, राष्ट्रीय सचिव मियुंक विश्वास, राज्य सचिव अमित कुमार, जिला अध्यक्ष दिनेश, पूर्व अध्यक्ष अनिल मनकोटिया, कश्मीर सिंह ठाकुर, जोगिंदर कुमार इत्यादि भी मौजूद रहे।